अस्सलाम वालेकुम आप सब कैसे हैं जहाँ पे भी होंगे खैरियत से होंगे मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत बेहतरीन आइडिया इस वीडियो को स्क्रिप्ट नहीं करेगा इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसके अंदर मैंने लेस की इस तरीके से स्टिचिंग बताई है कि बहुत कम स्टिचिंग और आपका ड्रेस फुल रेडी इस वक्त देखें ये मैंने डिज़ाइनिंग वाली पट्टी बनाई है जो कि मैं नेक में यूज़ करूँगी इसको मैंने अच्छे से इसको प्रेस कर लिया और सिलाई कर ली है और इस डिज़ाइन को देखें मैंने किस तरीके से प्रेस करी है इसका हाफ इंच मैंने बढ़ता हुआ छोड़ दिया है और इसका जो सेक एक्स्ट्रा कपड़ा था वो मैंने प्रेस कर लिया और ये मेरी देखिए मैं इसके अंदर सेंटर लेस किस तरीके से यूज़ करूँगी ये जी की लेस है जो ट्वेंटी रुपीज़ गज़ मिलती है देखिए एक साइड से मेरी प्रेस हुई हुई है और हाफ इंच मैंने इसका बढ़ता हुआ रखा हुआ है और ये प्रेस करी हुई थी मैंने और इसके ऊपर ये लप की सिलाई लगाएँगे और ये नेक इतनी कम स्टिचिंग में और इतनी खूबसूरत लगेगा तैयार होकर मैंने आपको वो ट्रिक बता दी जो आप अभी तक के यूट्यूब में किसी ने नहीं बताई और इस तरीके से देखें हम तैयार कर रहे हैं इस तरीके से देखें हम तैयार कर रहे हैं ये डिज़ाइन पट्टी हम स्लीव्स में भी यूज़ कर सकते हैं पैचों में यूज़ कर सकते हैं ये पर मैंने नेक के लिए है मैंने नेक के लिए इसको तैयार करा है और इसके मैं किस तरीके से इसका नेक भी तैयार करूँगी इन शाला मैं इसकी वीडियो भी अपलोड करूँगी कि मैंने ये नेक किस तरीके से बनाया था इस वक्त मैं आपको लेस की ट्रिक बता रही हूँ कि लेस मैंने किस तरीके से लगाई है नेक्स नेक डिज़ाइनिंग नेक की पट्टी पर और अच्छे से हम इसको तैयार कर लेंगे प्रेस कर लेंगे और आप ये देख सकते हैं ये सिर्फ इस तरीके से दिखेगी बारीक सी के सेंटर लेस यूज़ की गई है नॉर्मली मार्केट में मिल हो लेसिस का इतना ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग फुल ड्रेस डिज़ाइनिंग आपको मैं बताऊँगी ये देखें किस तरीके से मैंने इसको नेक में फिट करा है ये भी मैं आपको बताऊँगी कि मैंने किस तरीके से इस नेक को सेट करा है अब इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ सेकेंड ट्रिक कि किस तरीके से देखें ये भी डिज़ाइन की पट्टी इसके अंदर मैंने पूरी पट्टी तैयार कर ली और दोनों साइड पे मैंने इसको मोल लिया है और इसको प्रेस कर लिया है इसके अंदर में मैं सेंटर लेस यूज़ करूँगी जी पी ओ की और ये बहुत ज़बरदस्त लगती है शटर लेस यूज़ कर सकते हैं आप बहुत सी लेसेस मार्केट में दस्तियाब हैं और ये देखें हम इसके अंदर भी लप की सिलाई लगाएंगे और इस देखें मैं किस तरीके से इसको सेट कर रही हूँ और इसके ऊपर लप की सिलाई लगाएंगे और ये हम जब फैब्रिक पे भी मैं स्टिचिंग करूँगी वो भी मैं आपको बताऊँगी और इस वक्त में डिज़ाइन के साथ हम किस तरीके से इन लेसिस को यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से हमारे डिज़ाइनर जो कि हम लोग पिक्चर्स देख रहे होते हैं सब और तो वो किस तरीके से यूज़ कर रहे तो इतनी फिनिशिंग से सिला होता है इसके अंदर सबसे बड़ी ख़ूबी ये है कि हमारी सिलाइयाँ इतनी नहीं लगेंगी हम सिलाइयाँ सिर्फ इतनी यूज़ करेंगे जितनी हमें ज़रूरत है और बहुत ज़बरदस्त लगते हैं आप ये देख सकते हैं ये मेरी पैंचों की पट्टी है जो मैंने ट्राउज़र में यूज़ की है ये वाली पहले वाली जो पट्टी है वो मैंने नेक में यूज़ की है नेक डिज़ाइनिंग करी है और इस तरीके से देखें आप आ, कितनी फिनिशिंग से बनी है और ये मैंने पैचों की तैयार कर लिए और सेकेंड पट्टी में इसकी पैंचों में यूज़ करूँगी उसकी भी मैं आपको बताऊँगी आगे किस तरीके से बनाया ये देखें मैंने चॉप डिज़ाइनिंग करी है ये अभी तक के किसी ने नहीं बताया कि एक सिलाई के अंदर ना पलटा हुआ पट्टी नहीं ही कोई पाइपिंग हमने शर्ट और चॉक की जो फैब्रिक है उसी के अंदर मैंने इसकी स्टिचिंग करी है और देखिए मैं किस तरीके से गुम सिलाई कर रही हूँ लेस की और ये बहुत ख़ूबसूरत लगती हैं चाक दामन पे लगाएं आप आसिनों पर लगाएं हद तक के आप रुपट्टे के अंदर भी इसको तैयार कर सकते हैं बहुत खूबसूरत लगते हैं इस तरीके से इस तरीके से हमें लगाने से हमारी सिलाइयों की बचत है और उसके अंदर फिनिशिंग भी ये देखें आप ना ही ऊपर सिलाई आई है इसकी ना ही नीचे है ये वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ आप इसको देख सकते हैं मैं इसका लिंक भी आपसे शेयर करती हूँ और ये देखें किस तरीके से मैंने इसका कॉर्नर बनाया मैंने पूरी वीडियो इसकी तफसील से बनाई हुई आप उसको विज़िट कर सकते हैं मेरे चैनल पे आके अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर पर दें कमेंट्स करें लाइक करें शेयर करें और ये देखें किस तरीके से फिनिशिंग से चक दामन पर हमने पाइपिंग लगाई बहुत कम प्राइस में हम अपने बहुत बेहतरीन ड्रेस बना सकते हैं ये देखिए मैंने स्लीव्स के अंदर भी मैंने इसी तरीके से गुम सिलाई के अंदर कफ़ बनाए छोटे कफ़ बनाए बिल्कुल इसके अंदर और इस तरीके से देखिए मैंने ये सेंटर में रखा है कोई रफ़ कपड़ा नहीं है मैं डायरेक्टली फैब्रिक जो यूज़ कर रही हूँ मैं उसके ऊपर ही आपको तमाम बता रही हूँ कि किस तरीके से हम अपने ड्रेस को डिज़ाइन कर सकते हैं यूज़ कर सकते हैं आप साथ तकरीबन अपने नेक के ये अंदर यूज़ कर सकते हैं ट्राउज़र में यूज़ कर सकते हैं स्लीव्स में यूज़ कर सकते हैं दामन में यूज़ कर सकते हैं सिर्फ सिलाई की फिनिशिंग की वजह से आप ये देख सकते हैं मैंने सेंटर इसका कपड़े का करा और सेंटर में रख कर पहले मेरी जो वीडियो थी वो मेरी चाक दामन की थी जो आपने अभी देखी और इस वक्त ये मैं एक्स्ट्रा कपड़े पर ही बना रही हूँ जो कि आप स्लीवस में यूज़ कर सकते हैं नेक में यूज़ कर सकते हैं और दा दामन में भी यूज़ कर सकते हैं पर ये मैं स्लीवस के छोटे से कफ्स बना रही हूँ जो कि वन इंच डेढ़ इंच के बनाए वन एंड हाफ इंच के और इसके अंदर में सेंटर लेस भी गुम सिलाई में लगाऊंगी जिसमें हमारी अमूमन चार चार सिलाइयाँ लगती हैं और ये मैंने दो सिलाई के अंदर तैयार है हम देखें गुम सिलाई के अंदर हम किस तरीके से रख रहे हैं पहले हमने उसको रख के हमने एक डिज़ाइन वाली बेल को रखा और अब हमने सेंटर लेस को रखा है जो कि हम स्लीव्स के अंदर जॉइंट की तरह यूज़ करेंगे और इसको देखें फिंगर से महसूस करते हुए कि हमारी सिलाई कहाँ आनी है सीधी ये आराम से बहुत इसी से लग जाती है और इसको हम सीधा करेंगे और मैं सीधा करके भी आपको बताऊँगी कि ये किस तरीके से ज़बरदस्त तरीके से यह आया और कितनी फिनिशिंग के साथ और बहुत खूबसूरत इसके अंदर ना सिलाई ऊपर दिखेगी ना ही दिखेगी हमने इसको गुम से सिलाई में है मेरी वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दें मेरी ताकि न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके मैं आपको तकरीबन बहुत सारे डिज़ाइनिंग बहुत आसान तरीके से बताऊंगी रमज़ानों के ड्रेसिस ईद के ड्रेसिस अब ये देख सकते हैं और इसका भी हम प्रेस करके आपको भी दिखाते हैं कि किस तरीके से देखें प्रेस करके मेरी दोनों पट्टियाँ तैयार हो चुकी हैं और ये मैंने कफ़ की तरह यूज़ करी है स्लीव्स में और स्लीव्स भी मैंने किस तरीके से बनाई है मैं आपको वो भी वीडियो शेयर करूँगी कि किस तरीके से हम लेस के इस्तेमाल से अपने ड्रेस को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं ये मैंने फुल ड्रेस डिज़ाइनिंग और किस तरीके से स्टिचिंग करी आपको बताई थैंक यू वॉच करने के लिए